नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही मजेदार जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका इंतजार भारत के काफी सारी जनता को है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो भारत में ये पेगासस सॉफ्टवेयर, पेगासस स्पाईवेयर या पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से जो हंगामा चल रहा है, और ये जो विपक्ष यानी विरोधी पक्ष के सभी नेता, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, और ये सभी लोग संसद का कामकाज नहीं चलने देना चाहते, और ये रोज के रोज संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और ये सब की असलियत क्या है, इसके पीछे कौन कौन है, क्या क्या है, क्या इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है नहीं है, इसकी काफी सारे लोग जानकारी चाहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनके तरफ से भी हमें काफ़ी सारी ऐसी विनंती, फरमाइशें और रिक्वेस्ट आई कि इसके बारे में हमें ज़रा जानकारी दी जाए। तो इस विषय में हमने पूरी जानकारी निकाली। लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इसमें किसी विदेशी ताकत या विदेशी संस्था का हाथ है, या फिर कोई इसके अंदर ऐसा कोई षड्यंत्र है, कोई कॉन्स्पिरेसी है। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की है हमारे सभी दर्शकों के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जानकारी को पूरा प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें। और दूसरा, तो आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाजू में जो बेल का आइकन दिया गया है उस पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आपको मिलेगा, ताकि अगर आप उसको ऑन करने के बाद आपको हमारे सारे एपिसोड्स और वीडियोज की तुरंत जानकारी प्राप्त होगी, और आप सही सही जानकारी सही समय पर तुरंत आपको मिल पाएगी और आप वो पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो अभी हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि क्या ये जो पूरा प्रकार है, ये क्या है, ये मामला और ये माजरा क्या है, ये अभी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, कई सारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, जिनका की हाथ ये पूरे मसले के पीछे सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है। और वो सिर्फ अकेले नहीं है, इनके साथ में और कई सारी संस्थाएं और एनजीओ जुड़ी हुई हैं, और इसमें कई सारे बिजनेस फंड्स जिसे हेज फंड्स कहा जाता है, उनका भी हाथ है, उनका भी फंडिंग है। क्या है, किस तरह से है, हम आपको आइए बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इसकी जो स्थापना वो एक जॉर्ज सोरोस नामक व्यक्ति ने की थी। ये जो जॉर्ज सोरोस हैं, इनकी उम्र अभी 91 के करीब है, मेरे ख्याल से 91 होने वाली है कंप्लीट उनकी उम्र। और उनका जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1931 को हुआ था। अब ये एक्चुअली जो पैदा हुए, ये ऐसा माना जाता है कि हंगरी में पैदा हुए, और ये अमेरिकन है बाय ब्लड यानी यूएस के। तो इनका जो भी पूरा काम था, यानी ये कुछ इन्वेस्टमेंट के फंड्स चलाया करते थे, लेकिन उसके पहले ये जब पैदा हुए तो इन्होंने वहाँ जो भी है वो थोड़ी बहुत पढ़ाई की, और उसके बाद में हंगरी से यूके शिफ्ट हुए, और वहाँ उन्होंने जो पढ़ाई की वो की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ये शिफ्ट हुए यूके में 1947 में। इन्होंने 1951 में बीएससी फिलोसॉफी कंप्लीट की, और 1954 यानी 1954 में एमएससी फिलोसॉफी कंप्लीट की। उसके बाद ये कई सारे मर्चेंट बैंक्स में यूनाइटेड किंगडम में काम करते रहे, और उसके बाद ये यूएस यानी अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये सब इस तरह के काम करते करते इन्होंने 1969 यानी 1969 में इन्होंने पहला हेज फंड चालू किया, यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी चालू की, जिसका नाम था डबल ईगल। और इसमें सब में जो मुनाफा हुआ उसमें से इन्होंने एक सोरोस फंड मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की 1970 में, और ये जो डबल ईगल नाम की कंपनी थी इसका नाम क्वांटम फंड पड़ा, इसका नाम यानी बदला गया, क्वांटम फंड रख दिया गया। इस कंपनी का वर्थ $12 मिलियन था एसेट्स में, और इसकी जो एडवाइजर ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन रही, और यानी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी यही जॉर्ज सोरोस। देखिए, 1970 से जो इनकी जो हैसियत थी यानी $12 मिलियन,
उनकी वो पूरी जो पोजीशन है वो बढ़ गई, और 2011 में उनका जो फंड और जो स्टेटस था वो था 25 बिलियन डॉलर्स, यानी US डॉलर्स। तो आप समझिए इन्होंने किस तरीके से कितनी सारी प्रगति की। बल्कि इस विषय में जो और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इन्होंने लगभग 32 बिलियन डॉलर्स इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को देने का तय है, जिसमें से ये लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 15 बिलियन डॉलर्स ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले साल तक, यानी 2020 तक। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देखा जा रहा है कि जितने भी ये संगठन हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पेगासस प्रोजेक्ट का विषय उठा रहे हैं, ये सभी का लिंक कहीं ना कहीं इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी जॉर्ज सोरोस से निकल रहा है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सारे इंटेलिजेंस, कई देशों के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स और सोर्सेस का ऐसा कहना है, क्योंकि वो ये सब इनके एक्टिविटीज अंडर द स्कैनर रखे हुए ऑब्जर्व की जा रही है, और जरूर इनके खिलाफ कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय में कार्रवाई होने की संभावना बताई जा रही है। देखिए ऐसा भी है कि ये जॉर्ज सोरोस के बारे में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो मुनाफा कमाया था, प्रॉफिट कमाया था, वो 1992 में यानी 1992 में कमाया था, जो कि ब्लैक वेडनेसडे करेंसी क्राइसिस हुई थी यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में, उसमें भी इन्होंने छोड़ा नहीं, वहां पर जो है पूरी जो अपनी ताकत लगा दी, दिमाग लगा दिया, और इन्होंने 1 बिलियन US डॉलर उसमें कमा लिए। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि ये इनका दिमाग कितना काम करता है और ये कितने शातिर हैं। इनको जो विश्व में जितने बड़े फंड मैनेजर्स हैं, हेज फंड मैनेजर्स यानी इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें से सबसे बड़े जितने हैं पूरे विश्व के अंदर, उसमें से उनको एक माना जाता है, जिनकी आज की जो स्टेटस है वो 8.6 बिलियन डॉलर्स का वर्थ उनका बताया जा रहा है। इन्होंने इसराइल में ऐसे सब संगठनों को फंडिंग की जो कि इसराइल का जो लेजिटिमेट यानी कानूनी जो दर्जा है उसे जो डिनाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन की, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने वहां फंडिंग की है, उन्हें बड़े बड़े लेवल तक और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी रकमें प्रोवाइड की है इसराइल को अंदर से चैलेंज करने के लिए। और पैलेस्टाइन में अल हक नाम के, और जो एक और है पैलेस्टाइन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनको काफी सारी बड़े स्तर पर फंडिंग की गई है। देखिए ये जो पैलेस्टाइन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स है, इन्हें एक आतंकवादी संगठन माना जाता है एक्चुअली में, इनका की बहुत गहरा एसोसिएशन है कि जिसके साथ में, जिसे कहा जाता है कि पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन। अभी ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, ऐसे पूरे पूरे सूत्रों से ये सब जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। अभी आप सब लोग कहेंगे कि ये सब का भारत के साथ क्या ताल्लुक आता है, क्या संबंध आता है, उस पर भी हम आएंगे, उसकी भी आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको ये जो संगठन है और इसके साथ में जो और अफिलिएट्स हैं, इनका पूरा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा माना जा रहा है कि 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, जिनको की इन्होंने फंडिंग की है। अब वो किस वजह से फंडिंग की है ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसमें ऐसा माना जा रहा है कि, और इसके सिवा दो हैं, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है और एक फॉरबिडन स्टोरीज है, जिसका कि फ्रांस से या किसी और उसके आसपास के देश से कनेक्शन माना जा रहा है, और उन्होंने ये जो किया है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा पर्पस है। सन 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को इनके तरफ से 1,34,000 यानी 1,37,000 यूरो की ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग की गई है। ये भी काफी सारे सूत्रों से हमें बराबर से जानकारी मिल रही है, और ये जो सारी फंडिंग है ये इसी पेगासस प्रोजेक्ट के सिलसिले में इन्हें की गई है, ये भी पुख्ता जानकारी कई सूत्रों के हवाले से हमें प्राप्त हो रही है। देखिए जुलाई 2021 में जब ये पेगासस स्पायवेयर का जो भी ये सिलसिला चालू हुआ भारत में, और ये जो विरोधी पक्ष के नेता हैं इन्होंने ये जो सब हंगामा चालू किया,
उसके बराबर एक महीना पहले यानी जून 2021 में इनके जो फॉर्मर यानी पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे उन्हें जो है वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल अफेयर्स की पोजीशन पर नियुक्त कर दिया गया। अभी इसमें यह भी समझने वाली बात है कि ग्लोबल अफेयर्स के लिए जो कि पूर्व सेक्रेटरी जनरल है उन्हें अगर नियुक्त किया गया तो जरूर दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली होगी। एक जो फॉरबिडन स्टोरीज नाम की जो संगठन है उनके अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वेबसाइट पर इनका जो नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ये हमारे सपोर्टर हैं इस तरह का उन्होंने अपने वेबसाइट पे खुद ब खुद बयान किया हुआ है, वहां लिखा हुआ है, दर्ज किया हुआ है। और भारत का जब रफाल का जो डील चल रहा था फ्रांस के साथ उस समय ऐसा मालूम हो रहा है कि शेरपा नाम का एक संगठन है एनजीओ है फ्रांस का यानी फ्रेंच, उन्हें यही जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है इन्होंने किसी एनजीओ के द्वारा वहां फंडिंग कराई इस शेरपा को ताकि ये लोग ये जो रफाल का जो डील है भारत के साथ इसको किसी तरह से रोक सके या डिले कर सके और इसके खास करके उसके खिलाफ लिटिगेशन वहां क्रिएट कर सके यानी कोर्ट में केसेस कर सके या इस तरह के कोई मैटर यहाँ पर वहां पर लीगल मैटर क्रिएट कर सके कि ये सौदा ना हो पाए। यानी ये समझने वाली बात है कि ये लोग भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश तो 100% कर रहे हैं, इसमें अब कोई शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई वहम की जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के साथ इनका क्या है ये भी हम आपको पूरा बता रहे हैं। देखिए भारत के लिए इन्होंने जनवरी 2020 में इसी जॉर्ज सोरोस ने और उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अनाउंस किया था कि वो लोग एक बिलियन यूएस डॉलर्स का फंड सेटअप कर रहे हैं जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क बनाएंगे ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रोइंग नेशनलिज्म। यानी जो राष्ट्रीयत्व की भावना है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बिल्डअप करना यानी उसकी खिलाफत करना और उसके विरोध में काम करना और इस तरह की राष्ट्रीयत्व की भावना अपने देश के प्रति ये नहीं बिल्डअप होने देना, ये नहीं पैदा होने देना, ऐसा उनका उद्देश्य है। और अगर ये जॉर्ज सोरोस का अगर आप बैकग्राउंड निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि विश्व भर में जहां कहीं पे भी ये राष्ट्रीयत्व या नेशनलिज्म के फेवर में जहां जहां सरकारें आई है वहां वहां इन्होंने उस चीज का काफी सारा विरोध किया है, वहां काफी सारा खर्चा किया है, इनका इनकम कई कई हजारों बिलियन डॉलर या कुछ रहता है जिसमें से ये लोग ये होते क्लाइंट के पैसे हैं लेकिन उसमें से ज्यादा परसेंटेज ये खाते होंगे, इनको फायदा होता होगा इसका, ये स्पेंड करते हैं। अब ये किस तरह से और क्यों कर रहे हैं, ये उनकी मेंटेलिटी या साइकोलॉजी क्या है ये अभी समझना बाकी है। अभी तो आपको एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं इसी से जुड़ी हुई। देखिए इनका इस तरह की जो गतिविधियां हैं ये काफी सारे देशों में चलती रही है। भारत के विषय में सोरोस का जो खुद का जो स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं सोरोस कॉल्स इंडिया अ नेशनल स्टेट सफरिंग फ्रॉम द बिगेस्ट एंड मोस्ट फ्राइटनिंग सेटबैक। यानी जो राष्ट्रीयत्व की भावना है वो मोदी सरकार के आने के बाद में एक बड़ा सेटबैक है ऐसा उनका मानना है। यानी कोई देश के लोग अगर अपने देश को हर चीज के आगे रखना चाहे यानी पहले रखना चाहे यानी फर्स्ट नेशन ये इन्हें कबूल नहीं है, ये इनकी मेंटालिटी उस चीज से समझ में आती है कि ये अपने जो कैपिटलिस्ट पोजीशन है या इनकी जो मेंटल पोजीशन है ये क्या है, इनकी सोच क्या है किसी जॉर्ज सोरोस की, ये इससे स्पष्ट जाहिर होता है। दूसरी बात तो आपको बता दें कि ये भी सूत्रों से हमें पूरी पूरी खबर मिल रही है कि आयरलैंड में एक कायदा जो वहां के पार्लियामेंट ने पास कराया था उसे रद्द करवाने के लिए इन्होंने कितने सारे बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया था, किसी एनजीओ के थ्रू वहां पर फंडिंग करवाई थी और वहां पर उस कायदे का पूरी तरह से विरोध करवाने की पूरी कोशिश की थी। यानी इनका मकसद जो है वो खुद की पोजीशन ऊपर रखना, कोई कायदा कोई धर्म या कोई चीज उनसे बड़ी नहीं है, ये पैसे के दम पर ये लोग सब नंगा नाच कर रहे हैं और सब देशों में पूरा प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। इस विषय में आपको और भी हम जानकारी दे रहे हैं, हमारे सूत्रों से जो हमें पता चल रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि ये जो लिंक्स हैं
ये काफी सारे जो एनजीओस या अलग अलग विश्व स्तर पर इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओस हैं, इनके जो लिंक्स जो हैं वो पूरे ये जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े हुए हैं। और कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यानी जैसे भारत में ये लुटेंस मीडिया है या ये खान मार्केट गैंग है, इन लोगों के ऐसे लिंक्स होने की संभावना भी बताई जा रही है। अब वो क्या है क्या नहीं है ये सब हकीकत ये तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वही बता सकेंगे, लेकिन इस विषय में एक यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, उनका एक मीडिया रिसर्च सेंटर है जिनका ये कहना है कि मेनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस विद लिंक्स टू जॉर्ज सोरोस आर अ पार्ट ऑफ द पेगासस प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इन मेनी कंट्रीज। अभी आप इसकी जो ग्रेविटी है वो समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश जब इसकी पूरी जानकारी ले रहा है और हम भी यहाँ पर बैठकर अपने दर्शकों को ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, अपने सूत्रों से जानकारी हासिल करके, तो इस जो नेक्सस है, ये जो कंस्पिरेसी है, षड्यंत्र है, ये कितना बड़ा होगा विश्व में और इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़ते होंगे, इसका अभी पूरा पूरा अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि विश्व के कई सारे बड़े बड़े देशों में इसके तार जुड़े होने की संभावना जरूर आज की तारीख में कही जा सकती है। देखिए इस विषय में ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इसमें एक ये सीधी सीधी दिशा दिख रही है कि जो एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी इस पेगासस प्रोजेक्ट के पीछे दिखाई दे रही है, तो उसके एक हिंट मिल रहा है कि किस तरह से एक बिलियनर जो है वो अपना पावर, इन्फ्लुएंस और पैसा यूज कर रहा है टू मेक मेनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस शेप नरेटिव्स, यानी अलग अलग तरह के गलत गलत तरह के नरेटिव्स क्रिएट करके, पैदा करके विश्व के सामने, विश्व की जो आबादी है उसके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से स्पष्ट रूप से इतना दिखाई दे रहा है। तो जहां तक भारत का सवाल आता है इसके अंदर, तो इन्होंने जो 1 बिलियन US डॉलर्स की जो फंडिंग की है, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं भारत के हायर एजुकेशन के, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें देश के खिलाफ भड़काने और चालसाजी करने के लिए, यानी देश के खिलाफ काम करने के लिए प्रवृत्त करने का काम ये जॉर्ज सोरोस और उनकी जो ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये लोग कर रहे हैं। इस बारे में अभी कोई शंका तो रह नहीं गई, यानी कोई शंका रहने का सवाल नहीं दिख रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो हमें पूरी जानकारी मिल रही है ये तो सही सोर्सेस से मिल रही है, लेकिन इस विषय में आपकी राय क्या है ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय रखें और हमें बताएं कि आपका इस विषय में क्या कहना है। और अगर आपको भी किसी आपके सोर्सेस के द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से या कहीं और से कुछ भी अगर जानकारी प्राप्त हो रही हो तो आप वो हमें जरूर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या हमारे ईमेल आईडी को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, आप हमें ईमेल करके वो जानकारी भेज सकते हैं, हम उसे वेरीफाई और कॉर्बोरेट करके उस पूरी जानकारी को भारत की जनता के लिए और हमारे दर्शकों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर जरूर सबके सामने रखेंगे। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, और नीचे सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल का लोगो दिया हुआ है, घंटी का लोगो दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें ऑल पर आप क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की सही समय पर जानकारी मिल सके और आपको सही जानकारी हमारे वीडियोस के द्वारा प्राप्त हो सके। आप सभी इस वीडियो को कृपया लाइक करें और अपने सभी मित्र, परिवार, रिश्तेदार और आपके कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और हमें प्रोत्साहन दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।